हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए पहले आइकन को दबाएं और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो एफ लेवल का डंजन का जो मॉन्स्टर होता है क्रोकोडाइल, वो उनाव पर अटैक कर देता है पीछे से, जिसकी वजह से उनाव अपनी जगह से हिल नहीं पाती है और उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है पूरी तरह से। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर होता है क्रोकोडाइल मॉन्स्टर, वो उनाव पे अटैक करने जाता है, लेकिन हमारा हीरो ये देख लेता है और उसे बचाने के लिए चला जाता है। फिर बाद में हमें धमाका दिखाया जाता है चारों तरफ, फिर हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने उसे बचा लिया है। अपने पावर मोड को एक्टिवेट करके उसे कुछ सेकेंडों में बचा लेता है। फिर बाद में अपने पावर मोड को बंद कर देता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर इनाव कहती है कि मैं मरने वाली नहीं थी, बस पॉइजन की वजह से मेरा जो बॉडी है वो पैरालाइज हो गया है। ये जो एफ लेवल का मॉन्स्टर है, जो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, मैंने सोचा नहीं था। जैसे देखा जाता है कि नॉर्मली जो डंजन होते हैं हाई लेवल के, उसमें ऐसी घटना घटित होती रहती है, पर हमने सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ ही होगा। हमारी किस्मत बहुत ही बुरी है। फिर ये निर्णय सोचती है कि क्या ये लड़का इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। ये तो पागलपन है, हम मुझे नहीं लगता कि इसे हरा पाएगा। फिर निर्णय कहते हैं कि तुम मजाक करना बंद करो और यहाँ से चलो, यहाँ से भागते हैं, यही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि तुम इसके मैच नहीं हो। फिर हीरो कहता है कि तुम तो पैरालाइज हो गई हो, क्या तुम यहाँ से भाग पाओगी। ये तो बहुत बेतुका सा मजाक है। मैं यहाँ से बॉस को इस भागा बॉस को अपने साथ भाग लेकर जाने की कोशिश करता हूँ, जब तक कि तुम ठीक ना हो जाओ। फिर ये सोचती है, फिर कुछ बोल नहीं पाती। फिर हमारे हीरो कहता है कि तुम देखो बस। ये कहकर वो मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है और कहता है कि तुम सेफ रहना, मैं इसे अपने तरफ भगाकर ले जाता हूँ तुमसे दूर। फिर हीरो कहता है कि हे लिटिल, तुम कहाँ देख रहे हो, देखो तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पे हैं। फिर देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है क्रोकोडाइल मॉन्स्टर, वो हमारे हीरो के पीछे लग जाता है और दिखाते हैं कि हीरो कहता है कि ये इतना बड़ा होकर भी कितना तेज भाग रहा है। फिर हीरो कहता है कि ये कहाँ डिसअपेयर हो गया, कहाँ गायब हो गया। फिर देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपने मुंह से एनर्जी को इकट्ठा करके हमारे हीरो की तरफ फेंकता है। फिर हमारा हीरो उसे रोकता है और कहता है कि जो पाइजन है इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। फिर यूनाव कहती है कि तुम अपने पीछे देखो। फिर देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है हीरो के पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हीरो अपने शॉर्ट से उसके मुंह पर लात रख के उसको बचने की कोशिश करता है। फिर देखते हैं कि उससे बहुत बाल बाल बचता है और उसका पॉइजन अपने हीरो के ऊपर घिरे रहता है। फिर वो अपने क्लॉ से हमारे हीरो पर अटैक करता है, लेकिन उसे हीरो डॉज कर लेता है, पर जिससे ज़मीन भी टूटने लगती है। फिर दिखाते हैं कि उससे थोड़ा सा इफेक्ट हमारे हीरो पे पड़ा रहता है। और हीरो कहता है कि जो मेरे इंटरनल ऑर्गन है उससे इंजर्ड हो रहा है। फिर दिखाते हैं कि जो मॉन्स्टर है वो फिर से हमारे हीरो पर अटैक करने के लिए चला जाता है आता है। फिर देखते हैं कि जो हमारा हीरो अपने शॉर्ट से उसके मुंह पे लात रख के उसे अटैक को अवॉइड करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम मुझे खाना चाहते हो, लेकिन तुम खा नहीं पाओगे। ये कहकर वो उससे दूर चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि हमारे हीरो का भी थोड़ा हालत ख़राब हो जाता है, उसकी HP 500 से घटकर 150 पे चली आती है। फिर जो मॉन्स्टर होता है क्रोकोडाइल मॉन्स्टर, वो एक रोर करता है और अपने क्लॉ से फिर से हमारे हीरो पे अटैक करता है।
फिर दिखाया जाता है जिसके अटैक की वजह से हमारा हीरो पीछे आकर गिरता है। फिर यूना उसको आवाज़ लगाती है। फिर देखते हैं कि हमारे हीरो उसका बहुत हालत ख़राब हो गया होता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि जैसे हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गेम खेलते थे, ये उसकी तरह नहीं है। ये जैसा मैं अपना सोच रहा हूँ वैसा मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। फिर देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है अपने मुंह में एक अटैक को रेडी करके हीरो के ऊपर फेंकता है। फिर हमारा हीरो उससे अपने शॉट से उसे रोकने रोकता है। फिर वहाँ से उसको डॉच करके वहाँ से चला जाता है। फिर कैद हमारे हीरो अटैक फिर करने के लिए मॉन्स्टर आगे बढ़ता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि फाइनली मैंने एक छोटा सा उम्मीद दे आशा देख ली है इसे हराने के लिए। फिर नाव कहती है कि तुम अपने पीछे तो देखो, तुम इससे अटैक इसके साथ आप थोड़ा कुछ अटैक में खड़े नहीं हो पाओगे। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये अब मुझे नहीं छू पाएगा। ये कहकर वो उसके सामने चला जाता है। फिर जो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आता है तो हमारा हीरो उसे डॉच कर लेता है। फिर यूनाओ ये देखकर शॉक हो जाती है, कहते हैं कि क्या इसने डॉच कर लिया। फिर दिखाते हैं कि जो मॉन्स्टर है अपने क्लॉ से हमारे हीरो पर फिर से अटैक करने कर देता है। फिर देखते हैं कि जो हीरो है अपने शॉर्ट से उससे डॉच करता है, वहाँ से हट जाता है, दूर हट के चला जाता है। फिर कहता है कि ये तो मुश्किल नहीं है। फिर कहता है कि क्या तुम मुझे खाना चाहते हो, फिर आ जाओ। फिर दिखाते हैं कि जो हमारा हीरो रहता है कहता है कि अब मेरी टर्न है, ये कहकर उस पर अटैक कर देता है। उसके मुंह में एक अटैक कर देता है स्लैश। फिर दिखाते हैं कि जिससे मॉन्स्टर थोड़ा सा घायल हो जाता है, घायल हो गया रहता है। फिर हिनाव कहती है कि इसने मैनेज कर लिया उसे अटैक करने के लिए। फिर हमारा हीरो कहता है कि जो मेरा स्वॉर्ड है और तुम्हारे मुंह पे इसी तरह अटैक करता रहेगा, तुम देखते जाओ। फिर ये सुनकर जो मॉन्स्टर एक रोर करता है और उससे फिर से अटैक करने के लिए चला जाता है। फिर देखते हैं कि कुछ अटैक करता है फिर, जिससे हमारा हीरो बचता है। फिर हीरो कहता है कि अब तुमने जो अटैक कर लिया बहुत हो चुका, अब मेरी बारी है। ये कहकर उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है और कहता है कि मरो। फिर दिखाते हैं कि उसने मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश मार दिया रहता है, जिससे कि मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। फिर हीरो हंसने लगता है। फिर ना कहती है कि ये कितना लो लेवल का है, फिर भी इसने हाई लेवल के एक मॉन्स्टर को हरा रहा है, उससे अटैक कर रहा है और उससे लड़ रहा है। फिर वो कहता है कि कितना डिफिकल्ट था, ये अपने पावर को अटैक कर रहा था जिससे लगभग मैं 30 मीटर की दूरी पर था। ये अपने पावर चार्ज को एक पॉइजन की तरह यूज करके मुझ पर अटैक कर रहा था। फिर 10 या 30 मीटर की दूरी पर अपने ये क्लॉक अर्थक्वेक अटैक को यूज कर रहा था, जिससे कि मैं बच रहा था। फिर 10 मीटर की दूरी पर जाने पर ये अपने क्लॉ से अटैक कर रहा था। ये तो गेम कितना बहुत खतरनाक सा है, थैंक गॉड में ये सब जान रहा था। फिर दिखाते कि मॉन्स्टर ये देखकर रोर करता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं एक तरह प्रैक्टिस डमी की तरह तुमको यूज करूँगा। फिर ये इसी तरह करते करते लड़ाई चलती रहती है। फिर हमें 2 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर कहता है कि ओ माय गॉड मैं कितना थक गया, लेकिन फाइनली में ये लगभग ख़त्म होने को आया है। फिर दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर के साथ कुछ होने लगता है। फिर ये देखकर दोनों लोग शॉक हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि क्या चला है। फिर वार्निंग लिख कर आती है कि जो मॉन्स्टर का लेवल है 10% रह गया है, इसलिए मॉन्स्टर जो है सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है अपने आप को। ये आज का एपिसोड बस इतना ही। प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।